नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आगामी चुनाव की तारीख घोषित करने की अपील की है। चतुर्वेदी ने कहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन से रेगुलेशन मोड में आ जाएंगे। इससे देशवासियों को ईंधन की कीमतों में लगती आग से राहत मिलेगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, चुनाव इक्वल्स टू ईंधन मूल्य, कोई वृद्धि नहीं। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सहित भाजपा नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों ने शनिवार को मोदी स्टोरी में बारे में ट्वीट किया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर आधारित एक वेबसाइट है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न हस्तियों द्वारा बताई गई कहानी समाहित है। मोदी स्टोरी के ट्विटर हैंडल ने दावा किया है कि यह वेबसाइट नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरक क्षण है, जैसा कि उनके सहयात्रियों द्वारा सुनाया गया है। इसके साथ ही एक साथ लाने के लिए एक स्वयंसेवक की पहल है। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने किया था। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मदरसा शिक्षकों का वेतन 4 साल से बकाया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने की तैयारी में है। NCM की सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने बताया है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की जमीनी स्थिति जानने के लिए इन राज्यों का भी दौरा किया। कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद पड़ी उड़ानें दोबारा से शुरू होने जा रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर दिशा निर्देश में संशोधन किया है, जिसके तहत यात्रियों और कर्मचारियों को पाबंदियों से राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान हवाई अड्डों और उड़ानों में मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार एयरलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 3 सीटें खाली नहीं छोड़नी होंगी। साथ ही कर्मचारियों को PPE किट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा सुरक्षा जवानों को भी यात्रियों को तलाशी लेने में आसानी होगी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने एक बार फिर से डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जमकर तारीफ की है। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में कहा है कि हम सबको देश की कहानियां कहनी है। अक्षय कुमार ने पिछले दिनों भी एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की सफलता पर खुशी जताई थी। अक्षय ने अनुपम खेर का पोस्ट रिट्वीट करके लिखा था कि द कश्मीर फाइल्स में आपकी परफॉर्मेंस के बारे में अद्भुत चीजें सुन रहा हूं। इतनी भारी संख्या में दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों में जाते हुए देखकर हैरान हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद घंटों बाद ही अपने नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बीते दिन बैठक की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि योगी ने यहां लोकभवन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अपनी पहली बैठक में कहा है कि मंत्रियों को जनता और प्रदेश की सेवा करने का एक पुनीत अवसर मिला है। इस अवसर को उपलब्धि में बदलते हुए प्रदेश के विकास और जनता की खुशहाली के लिए हम सभी को निरंतर प्रयासरत रहना होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग और रिश्तेदार के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर भड़के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी बात रखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा है कि नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करने वाले पहले ये बताए कि आपने महबूबा मुफ्ती का समर्थन क्यों किया, जिन्हें अफजल गुरु और बुरहान वानी से सहानुभूति थी। द कश्मीर फाइल्स को झूठा बताए जाने के बाद नेटिजन्स अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया उजागर करते हुए उनके पुराने ट्वीट्स शेयर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बताते हुए राज्य में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को अपने हथियारों का निर्यात बढ़ाने, उनके साथ अपने रक्षा सहयोग में एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है, जिसमें स्टील्थ फाइटर से लेकर पनडुब्बियों तक के हथियारों की बिक्री शुरू की गई है। इस कदम को बीजिंग द्वारा अपने सीमा विवाद प्रतिद्वंदी भारत पर अधिक दबाव डालने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि चीन दक्षिण एशिया में अपने रक्षा विस्तार को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिससे इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश को शुक्रवार को कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मिल गई है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उनके एक बार फिर से उपमुख्यमंत्री बनाया उन्हें गया है। हालांकि पिछले कैबिनेट के कई ऐसे नाम भी थे जो जीत के बाद भी नई सरकार में जगह नहीं बना सके। बहरहाल कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से मिली हार भी मौर्य के सियासी कद को कम नहीं कर सकी है। उन्हें अपना दल यानी कि कमेरवादी की पल्लवी पटेल की हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दोबारा आंदोलन के लिए तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से अवगत कराया है। बीते साल खत्म हुए आंदोलन के दौरान टिकैत बड़े किसानों के रूप में आमने सामने थे। सरकार ने नवम्बर 2021 में 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए अब 31 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के चौतरफा युद्ध 24 फरवरी को शुरू होने के बाद से यूक्रेन में अस्पतालों, एम्बुलेंस और डॉक्टरों पर 70 से अधिक हमले हुए हैं। इस बीच रूस के मुताबिक यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि इससे अधिक रूसी फौजी उनके हमले से जान गंवा चुके हैं। वहीं यमन के
हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जेद्दा शहर में फॉर्मूला वन स्पर्धा से पहले शुक्रवार को एक तेल डिपो पर हमला किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के समापन के साथ ही केंद्र ने राज्यों में 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को फिर से प्रकाशित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के निमंत्रण के बाद आज से 30 मार्च तक मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। जानकारी के अनुसार जयशंकर 26 से 27 मार्च तक 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज मालदीव पहुंचेंगे, जिसके बाद 28 मार्च से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे, जिसमें 29 मार्च को वो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री मालदीव के अडू शहर का दौरा करेंगे, जिसके दौरान ही वो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह से मुलाकात करेंगे और मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ये सम्मेलन श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को दी है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि समिट मीटिंग जो वर्चुअल मोड में हो रही है, उसकी मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जो कि बंगाल की खाड़ी की वर्तमान बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की अध्यक्षता में की जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई सभी पाबंदियों को 31 मार्च से खत्म करने का ऐलान किया है। 2 साल पहले देश में कोरोना की वजह से 24 मार्च 2020 को पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था। अब ठीक 2 साल बाद देश की जनता को पाबंदियों से निजात दिलाने की घोषणा की गई है। हालांकि 2 गज की दूरी और मास्क लगाने वाले नियमों का पालन पहले की तरह ही करना होगा, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। धरती पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा भी पानी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी पर मौजूद जल में से केवल 3% ही मीठा पानी है जो पीने लायक है, बाकी महासागरों का खारा पानी है। यही कारण भी है कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए मीठे पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है। भारत दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सामान्य भारत संबंधों की मांग की है। बता दें कि शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी। लद्दाख की सीमा पर तैनात के बाद चीनी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि चीन के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि उनके सैनिक विवादित सीमा पर एक दूसरे से पीछे नहीं हट जाते। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का बोलबाला हमेशा से ही दुनिया भर में रहा है, जिसको आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी स्वीकृति दी है। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार ने आज पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बता दें कि पारंपरिक चिकित्सा के लिए इस वैश्विक ज्ञान केंद्र में भारत सरकार 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाली है। इस समझौते को लेकर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा है कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में भी साल 2 मार्च तक 70,154 मामले लंबित थे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि 25 उच्च न्यायालयों में 21 मार्च तक 58,94,060 मामले लंबित है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में लंबित मामलों का आंकड़ा नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है। किफायती विमान सेवा देने वाली अकासा एयर इसी साल जून में पहली वाणिज्यिक सेवा शुरू कर सकती है। कंपनी के सीईओ विनय दुबे ने शुक्रवार को यह ऐलान हैदराबाद में किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि सबसे पहले किन शहरों के बीच विमान सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कंपनी परिचालन से जुड़े लाइसेंस प्राप्त करने में जुटी है। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी के प्रमोटर है। कंपनी ने 12 महीने से 18 विमान और 5 साल में 72 विमान अपने बेड़े में जोड़ने की योजना बनाई है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित विमानन क्षेत्र के फिर से अच्छे दिन लौटने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय कंपनियों को अपने बेड़े में प्रत्येक वर्ष 110 से 120 नए विमान शामिल करने होंगे। विंग इंडिया 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि अगर कंपनियों को कई नए वैश्विक क्षेत्रों में के लिए उड़ान सेवा करनी है तो उन्हें अपने बेड़े में बड़े आकार वाले विमान शामिल करने होंगे। चीन में पढ़ाई करने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने आगाह किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी ने ऐसे छात्रों को चीन में जारी कोविड पाबंदियों को ध्यान में रखने की सलाह देते हुए कहा है कि कोई छात्र इन पाबंदियों के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वहां नहीं जा सके हैं। चूंकि चीनी प्राधिकारियों ने ऑनलाइन मोड में पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराए जाने की बात भी कही है, लेकिन इसे लेकर भी सतर्क रहने की दरकार की गई है।
बजट में प्रस्तावित डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर छात्रों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ज्यादा संभव है कि यूनिवर्सिटी इसी साल अगस्त से काम करने लगेगी। इसमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सहित सभी कोर्स की पढ़ाई होगी। सीटों पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, AICTE सहित शिक्षा से जुड़े दूसरे सभी एजेंसियों और विशेषज्ञों के साथ अब तक करीब आधा दर्जन बैठकें कर चुका है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपना बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य बजट पेश करते हुए कई ऐलान किए। उन्होंने सरकार का खाका भी पेश किया है। सिसोदिया ने बताया कि बीते साल क्या क्या किए गए थे और आगे क्या क्या किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र पर है ताकि आम लोगों को इलाज से जुड़ी कोई परेशानी न हो। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पर अधिक फोकस किए जाने की बात कही है। सिसोदिया ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक 20 स्कूलों में भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 1900 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर शनिवार को रवाना हो गए। इस दौरान वो भारत के इन दो प्रमुख समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार देने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जयशंकर पहले मालदीव जाएंगे, जहां वो भारत के सहयोग से चल रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 28 मार्च से 30 मार्च तक श्रीलंका का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में देश भर के बिजली कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी आगामी 28 और 29 मार्च को हड़ताल करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। संगठन में शामिल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने बताया है कि आगामी 28 और 29 मार्च को देश भर के श्रम संगठन के आह्वान पर देश के सभी राज्यों के तमाम बिजली कर्मचारी भी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिन की हड़ताल में हिस्सा लेंगे। एबीपी आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2022 के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शिरकत की है। शशि थरूर से पूछा गया कि जब हम बात स्वतंत्रता, संस्थागत आजादी और भारत के विचार की बात करते हैं तो इनको एक साथ आप कैसे देखते हैं। इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये भारत के मन की बात है, हमारी आजादी का संग्राम विचारधारा कम्युनिस्ट बनाम कैपिटलिस्ट या फिर जियोग्राफी पर निर्भर नहीं था। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी फिल्म बनाई जा रही है। केशव मूवीज एंटरटेनमेंट सीएम नीतीश कुमार पर फिल्म सुशासन द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा बनाएगा। ये जानकारी फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने शुक्रवार को दी है और इस दौरान छोटी सरैयागंज स्थित कमलू बाबू की आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने उक्त बातें कही। बिहार में अगले 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। शनिवार 26 मार्च से लेकर मंगलवार 29 मार्च तक बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद बुधवार 30 मार्च 2022 को बैंक खुलेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह का बैंकिंग काम नहीं होगा। दरअसल बैंक के निजीकरण और अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में कई कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर जा रहे हैं। लगातार 4 दिन तक बंद रहने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उमाशंकर, विशाल कुमार, रुपेश कुमार, अमरदीप कुमार, गौतम कुमार, दिलीप कुमार यादव, अमन राज, सोनम देवी, जितेंद्र पारित। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के कई देशों में आने के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय विमानों को अभी से ही बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।